तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। वीडियो हमारे पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ, आज का टॉपिक स्पेशल बिगिनर्स के लिए और जो लोग होम वर्कआउट शुरू कर रहे हैं, घर पे वर्कआउट करना शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो लोग होम वर्कआउट करना शुरू ही कर रहे हैं, स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सा वर्कआउट करें, वही हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि वीडियो में सभी लोग को मालूम होगा कि होम वर्कआउट हो तो पुशअप, तो चेस्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, पुशअप्स लगाएंगे। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं पुशअप परफॉर्म कर रहा हूँ। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम बिगिनर्स होते हैं तो क्या कि हमसे जो मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ वो आपसे होंगे नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पर आपको नी पुशअप्स लगाने। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं नी पुशअप्स लगा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कि आपको इसके 20 रेपिटेशन निकालो, इसके आप निकालिए 10 रेपिटेशन निकालिए, उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, उसके बाद दूसरा सेट लगाइए, उसके 10 रेपिटेशन। ऐसे आपको डे बाय डे आपको उसको बढ़ाते जाना है। पहले दिन आपने 10 लगाए, उसके बाद दूसरे दिन 12, उसके बाद 15, ऐसे आपको बढ़ाते जाना है और ऐसे हम प्रोग्रेस करेंगे। क्या होता है कि नए नए फ्रेश होते हैं, हमने कुछ भी वर्कआउट नहीं किया होता है, तो क्या होता है हमारे शरीर की मूवमेंट हमें समझनी मुश्किल होती है कि हम ये ऐसे कर रहे हैं तो हमारा माइंड मसल कनेक्शन पुशअप लगा रहे हैं तो कौन से एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं, चेस्ट को कौन सा पार्ट हमारा हीट हो रहा है, हम क्या होता है मालूम नहीं होता। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमें वो सब मालूम करना होता है, माइंड मसल कनेक्शन हमें डेवलप। तो अब हम बात करेंगे लेग्स, चेस्ट की हमने बात कर दी पुशअप, तो हम घर पे होम वर्कआउट में लेग्स करेंगे। तो लेग्स के लिए कौन सी, द ओल्ड स्कूल और स्क्वाट। स्क्वाट क्या, जब हम दंड बैठक लगाते हैं, वीडियो में दिख रहा होगा दंड बैठक, इसको हम कहते हैं स्क्वाट। और ये क्या टारगेट करती है, हमारे लेग्स मसल को, लेग्स एरिया को हमारे टारगेट करती है एक्सरसाइज। और जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग इसको जरूर लगाएं। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी नी में प्रॉब्लम आता है क्योंकि हमने पहले ये सब चीज़ें करी हुई नहीं होती, तो क्या होता है हमारा जो जॉइंट होता है उसकी मोबिलिटी उतनी नहीं होती। तो आपसे क्या कि जितना हो सके उतना ही नीचे जाना है स्क्वाट में, बहुत ज़्यादा हद तक आपको नीचे नहीं जाना है, जितना हो सके उतना ही करना है। और रेपिटेशन आपको क्या लगाना है, स्टार्टिंग कर रहे हैं आप तो 5 लगाए, 10 लगाए, आपसे जितने हो सके उतने लगाए, पर क्या आपको डे बाय डे आपको बढ़ाते जाना है। और उसके 10 रेपिटेशन के आपको 3 सेट निकाल लें। केवल हम ऐसा नहीं होगा कि हमारा वर्कआउट 1 घंटे तक करना है, हम केवल 20 से 30 मिनट करें क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, फ्रेश है। और होम वर्कआउट में क्या होता है कि इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज, इतना ज़्यादा टाइम देने से क्या बॉडी नहीं बनती, उसको क्या होता है कि आपको केवल सही तरीके से करना होता है। तो क्या कि हम 20-30 मिनट में बिगिनर्स है तो हमारा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज केवल लेग्स के लिए एक ही करेंगे, स्क्वाट एक्सरसाइज। तो अब हम बात करेंगे बैक के मसल्स की, हमने बात कर दी चेस्ट के लिए पुशअप्स और लेग्स के लिए स्क्वाट, और अब बात करेंगे बैक के लिए, घर पे बैक का वर्कआउट कैसे। तो बिगिनर्स लोग जो वर्कआउट शुरू कर रहे हैं वो लोग बैक के लिए क्या कर सकते हैं, मैं लगा रहा हूँ रोज। अब रोज आपको पता नहीं होगी जो लोग कर रहे हैं रोज क्या होता है, रोज में क्या होता है हमारे जो बैक के लेटेस्ट में डोसाई मसल होती है, बैक की मसल उसको क्या एंगेज करते हैं इस तरीके से, जब भी हमारा हाथ इस तरीके से पीछे आता है पीछे, तो क्या हमारे बैक को हम टारगेट करते हैं। तो बैक को टारगेट करने के लिए घर पे क्या होगा कि एक आपके पास टुवाल होगा, टुवाल को क्या एक जगह पर आपको लगा देना है, आप टुवाल को लगा देंगे, उसके बाद आपको वीडियो में दिख रहा होगा मैं लगा रहा हूँ एक्सरसाइज, आपको इस तरीके से लगानी। और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से होती है। तो स्टार्टिंग आप धीरे धीरे 10 रेपिटेशन 12 रेपिटेशन 15 रेपिटेशन ये ऐसे आपको बढ़ाते जाना है। और एक बैक के लिए केवल एक ही एक्सरसाइज करेंगे हम, सारे मसल की होम वर्कआउट जो लोग बिगिनर्स हैं वो सब एक ही एक्सरसाइज करेंगे, पर हम क्या मूवमेंट को हम समझेंगे कि क्या होता है हमारे बॉडी के साथ क्या होता है, हम समझेंगे मसल सोरनेस होती है वो सब समझेंगे। तो आज हम बात करेंगे बाइसेप मसल की, हमने बात कर ली चेस्ट बैक लेग्स की, तो अब हम करेंगे बाइसेप्स के लिए। तो बाइसेप के लिए घर पे क्या बिगिनर्स कर सकते हैं, आपके पास 2 ईंटें होंगी घर पे, नहीं होगी एक पत्थर होगा, पत्थर भी नहीं है तो आपके पानी की बॉटल, आपके पास ये 3 चीज़ें मैंने रखी, तीनों में से हम कोई एक चीज़ आपके पास होगी तो बाइसेप के लिए हम बाइसेप कर लगाएंगे। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं ईंटों के साथ लगा रहा हूँ, आप पानी की बॉटल के साथ लगा सकते हैं या पत्थर के साथ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कि हमारे बाइसेप मसल को घर पे ट्रेन करेंगे, उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको इजी लग रहा है कि आप 15-20 रेपिटेशन लगा दें, ऐसा नहीं, आपको क्या करना है 10 रेपिटेशन ही लगाने हैं। स्टार्टिंग में पहला दिन है हमारा तो 10,
दूसरे दिन में हम क्या एक या दो रेपिटेशन बढ़ाएंगे, तीसरे ऐसे बिगिनर्स हैं और हमने वॉर्म वर्कआउट स्टार्टिंग किया है अभी, तो हमें क्या कि स्टार्टिंग में हमें स्लो स्लो आगे बढ़ना है। तो हम बाइसेप के लिए केवल एक ही एक्सरसाइज है हमारी डंबल का, ये जो हम हीट कर जो भी हम करेंगे वो उसके हम 10 रेपिटेशन निकालेंगे। हम बात करेंगे शोल्डर के लिए, शोल्डर मसल के लिए क्या कि पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप आपको वीडियो में देख रहा होगा कि मैं लगा रहा हूँ, आपको इस तरीके से हम पाइक पुशअप लगाएंगे और ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर मसल के लिए ट्रेन होगी। तो होम वर्कआउट में हमारे शोल्डर मसल को ट्रेन करने के लिए ये एक्सरसाइज लगाएंगे और अक्सर कुछ लोगों से ये थोड़ी सी नहीं लगेगी, तो क्या हम स्टार्टिंग में केवल एक दो रेपिटेशन निकालने की कोशिश करेंगे, जो अच्छी सही तरीके से हमें लगा पाए एक दो रेपिटेशन, तो क्या कि हमें 8 रेपिटेशन 10 रेपिटेशन ऐसे डे 1 में हमें निकालने। उसके बाद डे 2 में आपको क्या करना है, एक दो रेपिटेशन आपको बढ़ाते जाना है, ऐसे हम वीक बाई वीक प्रोग्रेस करेंगे। हम सारे मसल की एक्सरसाइज घर पर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि सारे मसल की घर पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा ओवरलोड हमें देना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में नहीं देंगे, डे 1 में नहीं देंगे, डे 2 में नहीं देंगे, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे। और धीरे धीरे क्या करें मैं आगे वाले वीडियो में बताऊँ। हमारा जो आखिरी मसल है ट्राइसेप मसल के लिए बिगिनर्स लोग क्या कर सकते हैं पहले दिन में, तो आपको 2 ईंटें 2 बोतल या पत्थर आपके पास होने चाहिए। और क्या करेंगे हम एक्सटेंशन करेंगे, हम हमारे हाथ का एक्सटेंशन करेंगे। जब भी हमारे हाथ को हम इस तरीके से सीधा करेंगे तो क्या होता है, हमारा जो हाथ का ये पीछे वाला हिस्सा होता है वो ट्रेन होता है, उसको हम कहते हैं ट्राइसेप्स। तो हम जब भी हाथ को, मैं देखिए मैं सीधा खड़ा हूँ और जब भी मेरे हाथ को मैं सीधा कर रहा हूँ, सीधा खड़ा हूँ, हाथ को सीधा कर रहा हूँ, तो मेरा ये मसल्स जो पीछे वाला है वो ट्रेन हो रहा है। तो हम केवल घर पे ईंटें होंगी तो ईंटों के साथ केवल हम यही करेंगे, केवल हम सीधा करेंगे, ईटे ली और हाथ को सीधा किया। इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशन 12 रेपिटेशन डे 1 में आपको निकाले, उसके बाद डे 2 में आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। तो हमने क्या किया कि हमने सारे मसल की हमने एक्सरसाइज कवर कर दी है, जो लोग बिगिनर्स होम वर्कआउट के दिन लगा सकते हैं। बिगिनर्स के लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो अब हम जाएंगे वीडियो के अंत पार्ट में, लास्ट पार्ट में, जो आपके लिए बेहतरीन होगा। आ चुके वीडियो के ऐसे पार्ट में जो आपके लिए बेहतरीन इम्पोर्टेंट होगा। तो क्या हम बात करें कि हम जो भी हमने एक्सरसाइज परफॉर्म की वो बिगिनर्स के लिए डे 1 की थी, तो अक्सर लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो समझेंगे कि डे 2 में क्या करें। तो हमने जो भी एक्सरसाइज डे 1 में की उसको हमें परफॉर्म करना है डे 2 में। और डे 2 में क्या होता है कि रेपिटेशन आपने पहले दिन आपको लगा कि मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, एक दो रिपीटेशन थोड़े से ज़्यादा लगाने चाहिए, तो आपको डे 2 में लगाना, लेकिन सेम प्रोसेस डे 1 में जो कि वही करना है, क्योंकि हम स्टार्टिंग किए, हमने अभी तक समझा नहीं है कि मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है, कौन से मसल को हम हीट कर रहे हैं, हमने जाना नहीं होता। हमारे ज्वाइंट जो हमारे होते हैं वो उतने खुले हुए नहीं होते, जिससे क्या इंजरी होने के चांसेस होते। और जो भी लोग ये वर्कआउट फॉलो करें वो क्या करें कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा वार्म अप करें, वार्म अप में आपको कुछ नहीं, केवल थोड़ी सी जंपिंग करनी है, थोड़ी सी रनिंग कर लेनी है, ऐसा करेंगे, थोड़ा सा हाथ को इस तरीके से घुमा लेना है, उसके बाद ही केवल मैंने जो एक्सरसाइज बताई वो आपको परफॉर्म करनी है। और दूसरी रही कि डाइट की बात, तो जो भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं ये फॉलो करें बिगिनर, वो घर का जो भी बना हुआ खाना है वही खाना है, जो कह रहे हैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा करनी है कम करनी है वो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो ये हमारा वीडियो पसंद आ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो आपके मन में वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा या वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे फिट स्टे हेल्दी।